हेलो एवरीवन, आज अपने चल रहा है चैप्टर 3 विद्युत विभव। इसमें अपन टॉपिक ले रहे हैं सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही स्पष्ट है। सम विभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, ऑन एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर समान हो। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहे, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये हो जाती है इसकी परिभाषा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। अब देखो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान यदि समान है तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर क्या होगा? देखो, विभव समान है प्रत्येक बिंदु पर, तो विभवों का अंतर क्या होगा? शून्य होगा। तो अपन कह सकते हैं सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर सदैव शून्य होगा, सदैव शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान हमेशा ही क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अर्थात देखो, पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जीरो होने का मतलब पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि विभवांतर शून्य। और विभवांतर क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो विभवांतर जीरो, तो ये कार्य भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अर्थात सम विभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अर्थात सम विभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमेशा ही क्या होता है? जीरो होता है। यानी यहां हमने कहा वी ए बी इक्वल्स जीरो, और यहां हमने कहा डब्ल्यू ए बी इक्वल्स जीरो। जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने बात कर ली, इस पर दो पॉइंट है कोई ए और बी। क्या है ये? सम विभव पृष्ठ और किसी एक क्यू नॉट चार्ज है, उसको ए टू बी लाया जाता है। तो ए टू बी लाने में किया गया कार्य कह दो, या इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कह दो, वो जीरो ही होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर अपन कहें तो वी ए बी क्या है? वी ए बी एक्चुअली डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट ही है, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से। तो ये एक बात अपने पास और निकल के आ जाती है। इसके बाद अपन कह रहे हैं समविभव पृष्ठ के लिए दोनों बातें क्लियर हो जाती है, फिर मैं तीसरी बात कहता हूँ। तीसरी बात देखो, अच्छा दोनों बातें वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। सीधा सीधा है कि कोई भी समविभव पृष्ठ होने का मतलब, देखो समविभव पृष्ठ है मतलब सम विभव, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, और प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान समान होने का अर्थ किन्हीं भी दो बिंदुओं को लिया जाए तो उनके मध्य विभवांतर शून्य होगा। और विभवांतर शून्य होने का मतलब किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेशित कण को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अब देखो, अगर कार्य शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कार्य शून्य तब होता है जब
जैसे हम कार्य कह रहे हैं बल इनटू विस्थापन, तो ए और बी के बीच का विस्थापन जो है ए बी वो अपन कह रहे हैं जीरो नहीं है, विस्थापन जीरो नहीं है, बल वो भी अपन कह रहे हैं जीरो नहीं है, तो अपन कहते हैं डब्ल्यू ए बी जीरो कैसे हुआ? तो हम कह सकते हैं इसका मतलब थीटा 90 है, थीटा 90 है, और थीटा 90 का ये जो अपन बात कह रहे हैं ये आगे यूज हो रही है अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि विद्युत क्षेत्र की जो अपन दिशा कह रहे हैं वो हमेशा समविभव पृष्ठ से कैसी होती है? लंबवत होती है। तो ये लाइन हो गई विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्यों होता है भाई? तो अपन ने पीछे एक सेगमेंट में बताया था कि v इजिकल्स माइनस इंटेग्रल ऑफ e डॉट dr करके हमने बताया था, ये बताया था v इजिकल्स माइनस इंटेग्रल ऑफ e डॉट dr। अब देखो यहाँ पे dr अपन मान लीजिए ये a टू b के बीच में ये कोई dr पड़ रहा है, और e वेक्टर जो अपन विद्युत क्षेत्र है वो ये ले रहे हैं कि ये लंबवत है। अब देखो भाई लंबवत होगा, थीटा 90 होगा, तभी क्या हो रहा है? वी जीरो हो रहा है। तो जैसे मैंने ये कहा वी इजिकल्स, अब अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे विभवांतर जीरो है, विभवांतर जीरो है चूंकि वी इजिकल्स जीरो, तो इसका मतलब इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी आर भी जीरो है, और इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी आर में अपन कह रहे हैं न तो ई नॉट जीरो है और न ही डी आर या अपन कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यह तभी संभव है जब क्या होगा भाई, थोड़ा आगे लिख देता हूँ इसको, किंतु ई वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी आर वैक्टर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, अतः थीटा विल बी 90 डिग्री। तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ मैं? विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी समविभव पृष्ठ से क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और ये विद्युत क्षेत्र, दोनों लंबवत होंगे तभी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो क्यों है? क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर का मान क्या है? जीरो। और विभवांतर का मान जीरो तभी संभव होगा जब या तो ई जीरो चाहे डी आर जीरो या थीटा 90 हो, और या न तो ई जीरो है न डी आर जीरो है, थीटा जरूर 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत ही होगा। तो ये एक और पॉइंट अपने क्लियर हो जाता है। इसके बाद अपन कहते हैं कि भी समविभव पृष्ठ में अपन ये कहें, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कहा था कि वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो यहाँ भी मैं वही बात कहूँगा कि समविभव पृष्ठ कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो क्या बात हो गई भाई? नहीं, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते या करते हैं, दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करें तो, प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगा भाई? प्रतिच्छेद बिंदु पर देखो अपन ने बात करी थी पीछे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए क्या बात की थी हमने? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए हमने ये कहा था कि प्रतिच्छेद बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा क्या करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। वैसे ही यहाँ पे अपन कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने कहा था एक प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचे तो दो होगी, जाहिर सी बात है। और अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं एक बिंदु पर संभव नहीं है, वैसे ही अपन ये कह सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या होगी? दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु पर समविभव पृष्ठों के लंबवत, समविभव पृष्ठों के लंबवत दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बताई जाएगी जो संभव नहीं है,
ठीक है भाई। यानी दो समविभव पृष्ठ अगर काटते हैं तो कटान बिंदु पे अपन कहेंगे दोनों समविभव पृष्ठों के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं इंगित करेगी जो संभव नहीं है। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर समविभव पृष्ठों के लंबवत, हर समविभव पृष्ठ के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो लंबवत अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताई जाएगी जो संभव नहीं है। ये एक और समविभव पृष्ठ के बारे में हमने बात बता दी। और एक अपन इसके एग्जांपल्स की भी बात कर लेंगे। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि बिंदु आवेश, रेखीय आवेश, या अपन कह सकते हैं कोई सरफेस हो सकती है, लेमिना हो सकती है, उनके लिए समविभव पृष्ठ क्या होंगे, तो उनके बारे में भी अभी अपन बात करने वाले हैं। तो देखो अपने ये बात हो गई, प्रतिच्छेद करें तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर समविभव पृष्ठों के लंबवत दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं, ये भी हो गया। एक बात मैं इसमें और नोट करके आपको बता देता हूँ, फिर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। नोट करके मैं बात आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी अगर चालक सतह है, चालक सतह, तो चालक सतह जब भी होगी वो हमेशा ही क्या होगी, समविभव पृष्ठ। चालक सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, चालक सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि चालक अपन कहते हैं इस प्रकार है कि इस पर यदि आप कहीं पे भी कुछ आवेश देते हो तो वो आवेश चालक होने की वजह से पूरे चालक पर समान रूप से फैल जाता है, और समान रूप से फैलते ही अपन कहेंगे अब वो क्या है, समविभव पृष्ठ है। इसके बाद देखिए अपन उदाहरणों की बात करते हैं। समविभव पृष्ठ के उदाहरण, उदाहरण बिल्कुल सिंपल से हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी। तो देखो भाई इसके लिए समविभव पृष्ठ क्या है, ये मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q है, तो इससे अपन कहते हैं समान दूरी पर, Q आवेश से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, तो जाहिर सी बात है आपको खींचना पड़ेगा एक गोला। तो इस गोले की सरफेस के प्रत्येक बिंदु की यदि मैं बात करूं तो उसकी केंद्र से आवेश क्यू से दूरियां क्या है, समान है, तो इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी आवेश से समान होने के कारण विद्युत क्षेत्र के मान भी समान होंगे और विभव के मान भी समान होंगे। तो ये हो गया एक तरीके से समविभव पृष्ठ। तो इस तरीके से आप कई सारे ऐसे गोले निकाल सकते हैं, ध्यान करिएगा ये वृत्त नहीं है, गोले हैं, 3D में बात की जा रही है। तो हमने कह दिया सकेंद्रीय गोले, क्या हो गया, सकेंद्रीय गोले ये हो जाएंगे। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या, सकेंद्रीय गोले होते हैं, सकेंद्रीय गोले, समझ गए। उस बिंदु आवेश को केंद्र मान के आप क्या खींचो, गोले खींचो, तो वो प्रत्येक गोला क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ध्यान करना, जैसे इस पृष्ठ पर मैंने कह दिया विभव का मान V1, इस पर V2, इस पर V3। तो नेक्स्ट उदाहरण अपन ले रहे हैं समविभव पृष्ठ का, सेकंड एग्जांपल रेखीय आवेश के लिए भाई, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, ये अपन देख रहे हैं। अभी अपन ने देख लिया था बिंदु आवेश के लिए जिसके लिए सकेंद्रीय गोले अपने आए थे, इस बार अपन ले रहे हैं रेखीय आवेश। तो ये जैसे अपन ले लें एक रेखीय आवेश, तो इसके लिए अपन कहेंगे समाक्षीय बेलन, कोएक्सियल सिलेंडर्स, ऐसे अपन बहुत सारे बेलन्स की बात कर सकते हैं जो कैसे हैं, समाक्षीय हैं।
तो ये समाक्षीय बेलन जो हैं वो इनके लिए हो जाएंगे सकेंद्रीय, सॉरी संविभव पृष्ठ। इस तरीके से ये मैंने फील्ड लाइंस बनाई हैं, क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इस तरीके से चलेंगे इसमें। इधर बात करें तो इस तरीके से बिंदु से बाहर की तरफ क्योंकि धनावेश है, तो ये अपने हो जाते हैं समाक्षीय बेलन। तो भाई रेखीय आवेश के लिए संविभव पृष्ठ हो गए आपके समाक्षीय बेलन। इसमें भी अपन बात कर सकते हैं V1, V2, V3, यानी प्रत्येक सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर विभवों का मान समान। लेकिन एक सरफेस आप ये ले लो, रेखीय ले लो, तो विभवों के मान समान नहीं होंगे, बिकॉज V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3। लेकिन अगर एक पृष्ठ के किसी भी बिंदु की आप बात करते हो तो उनके विभवों का मान समान होंगे, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। इसलिए इस तरीके से अपन एक अदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक आवेशित परत के लिए, आवेशित परत के दो, पटल के दो, लेमिना के दो, आवेशित परत के लिए समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं? ये जैसे मैंने ले ली एक आवेशित परत, ये इसकी फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिया से। तो इसके लिए अपन कहेंगे समांतर पटल आपको लेने होंगे, ये जैसे मैंने समांतर पटल ले लिए। तो ये जो समांतर पटल हैं ये होंगे आपके समविभव पृष्ठ, क्योंकि इनकी इनसे दूरियां समान है, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान क्या होंगे? समान। प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान समान, तो ये हो जाएंगे समांतर पटल समविभव पृष्ठ के रूप में। तो आवेशित परत के लिए समविभव पृष्ठ होंगे उसके समांतर अन्य पटल। तो ये अपने क्लियर हो जाता है समविभव पृष्ठ के उदाहरण। एक आप नोट ध्यान रखना इसमें, पहले हम शायद नहीं बताया होगा, जब भी आप चालक सतह की बात करोगे, किसकी? चालक सतह, ये सदैव ही क्या होती है? समविभव पृष्ठ होती है। यानी चालक सतह सदैव, चालक सतह सदैव समविभव पृष्ठ ही होती है, क्योंकि चालक पर आवेश समान रूप से वितरित होता है, और समान रूप से वितरित होगा तो सभी बिंदुओं पर विभवों का मान भी समान होगा। इस कारण वो क्या होता है? हमेशा ही समविभव पृष्ठ है। और उससे जो अपन क्षेत्र रेखाएं बताते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ही क्या होगी? लंबवत होगी। प्लस है तो बाहर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ। तो ये होता है अपने समविभव पृष्ठ का टॉपिक कम्प्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र ई सदिश और विद्युत विभव में क्या रिलेशन है? हालांकि ये काम अपन पीछे कर चुके हैं कि विभव जो है वो विद्युत क्षेत्र का विस्थापन के साथ समाकलन का ऋणात्मक होता है, ये हमने पिछले पार्ट में किया था। V इजिकल्स माइनस इंटेगल ऑफ E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो इसको अपन डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से cos थीटा भी लिख सकते हैं। अवकलन के रूप में अगर अपन इसको रीअरेंज करते हैं तो अपने पास आता है E cos थीटा इजिकल्स माइनस DV/DL। ये हमने इसको अवकलन के रूप में रीअरेंज कर दिया है, लेकिन एक विशेष दिशा में जो है थीटा इजिकल्स 0°। देखो ये DV/DL में जो माइनस है वो क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि आप V के साथ L में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक है। देखो ऋणात्मक का मतलब ये हो गया कि V का मान L बढ़ने के साथ घटेगा, V का मान, विभव का मान दूरी के साथ घटता है, तो उसको ये माइनस साइन मार्क शो कर रहा है। और E cos थीटा, ये जो DV/DL है वैसे तो ये अदिश है, लेकिन एक विशेष दिशा हम कह रहे हैं थीटा इज इक्वल्स 0°, उसमें ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है जो सदिश है, और इसको गणितीय रूप में ग्रेडियंट बोलते हैं। ये थोड़ा अपने को ध्यान करना पड़ेगा कि एक विशेष दिशा में DV/DL जो है ये सदिश होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी अपन बोल रहे हैं इस विशेष दिशा में, एक तो ये मैक्सिमम है और एक इसको क्या लिया जाएगा? सदिश लिया जाएगा, क्योंकि एक विशेष दिशा की बात हो रही है इसलिए इसको अपन सदिश बता रहे हैं। और गणितीय रूप में इसको बोला जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हो गया एक तरीके से डेल संकारक आपको यूज करना है जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हो इसके रिलेटेड। और इस डेल संकारक का मतलब होता है आप आंशिक अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष।
तो जैसे मैंने कहा भाई ई वेक्टर इज इक्वल्स ग्रेडियंट ऑफ वी या माइनस डेल ऑफ वी, तो अपन इसको घटकों के रूप में यदि लिखें, जैसे मान लीजिए ई वेक्टर को अपन ने कह दिया ई एक्स आई कैप वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से अपन डेल संकारक यूज करते हुए इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे कि अपन इसको एक बार लिख लेते हैं, या इसमें न्यूमेरिकल में आपको और ध्यान में आ जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। डेल संकारक वैसे मैं बता दूं आपको, हमने 11th क्लास में भी यूज किया था, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी तो उस टाइम अपन ने यही संकारक यूज किया था। तो इसको कैसे अपने को आगे लिखना है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, उसका मैं थोड़ा आपको आइडिया बता देता हूँ। जैसे मैं इसको एक बार इस संकारक को यूज करके बताता हूँ कैसे अपन यूज कर रहे हैं। देखो ई वेक्टर इजिकल्स, मैंने कहा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है भाई, अब यहाँ मैं यो कहूँ ई एक्स इजिकल्स क्या होगा, या ई एक्स आई कैप कह दो, ई एक्स आई कैप क्या होगा, या ई एक्स वैक्टर कह दो, आई कैप नहीं के कहते हो तो वैक्टर बोल दो भाई, ये एक्स आई कैप के सहित वैक्टर हो जाएगा। और ई वाई वैक्टर क्या होगा और ई जेड वैक्टर क्या होगा, तो देखो अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे आप क्या करोगे, आंशिक अवकलन करोगे वी का, तो मैं कहूँगा भाई डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, डेल वी बाई डेल जेड के कैप, इसी तरीके से कहेंगे। एक बार इसको मैं बराबर करके लिख देता हूँ, फिर अपन अरेंज कर लेंगे। तो माइनस, अब ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट यानी डेल, तो डेल कर देंगे इसका वी का, तो ये आ जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक है भाई, अब विद नेगेटिव अपन इसको यूज कर रहे हैं, तो विद नेगेटिव तो ई एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, फिर माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। अब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसमें आपको न्यूमेरिकली कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, आंशिक अवकलन कैसे करना है ये आप ध्यान रखना। अगर इस पार्ट में एक्स वाई जेड दिए हों तो एक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन कर रहे हो तो वाई जेड को आप कांस्टेंट मानोगे, इसी तरीके से वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स जेड को कांस्टेंट मान के आप अवकलन करोगे। और जेड में आपको जेड को वेरिएबल मानना है, बाकी जेड के अलावा एक्स वाई को कांस्टेंट मान के अवकलन कर लेना है। इस तरीके से अपन इसका अवकलन करके इसके घटकों के रूप में ई को डिनोट कर सकते हैं। तो ये अपने कंप्लीट होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। अपन टॉपिक ले रहे हैं गोलीय कोश जो आवेशित है उसके कारण विद्युत विभव। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, देखो अगर आपको आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना आता है तो विभव में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी है। देखो अगर अपने को ये पता है कि इसमें वैसे तीन केस लेंगे अपन, जैसे उसमें लिए थे एक बाहर के लिए, एक सरफेस के लिए और एक अंदर के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई अपन, ई आउटसाइड इजिकल्स ई सरफेस इजिकल्स एंड ई इनसाइड इजिकल्स या इंटीरियर कह दो, ई सेंटर भी ई हो जाएगा। तो गोलीय कोश के लिए याद होगा अपन ने कहा था इसको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन ने कहा था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको अपन ने लिया था ज़ीरो, होगा याद ध्यान में। ये इनसाइड में अपन ने कहा था विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, सरफेस पे हमने कहा के क्यू बाई आर स्क्वायर हो रहा है, और आउटसाइड के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो रहा है। तो अपने को ये चीज़ें तो वैसे ध्यान में हैं ही, अब अपने को क्या करना है, गोलीय कोश के लिए विभव की गणना करनी है। तो अपन कहेंगे विभव वी बराबर क्या होता है अभी, माइनस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, एल कह दो, लेकिन यहाँ आर लिया है तो मैंने आर की बात कर ली है। अब अगर आप वी आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो हमें कहाँ से कहाँ चलना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू पी पॉइंट तक चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया, इसमें ये कोई आवेशित गोलीय कोश है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ आउटसाइड के लिए ले रहा हूँ,
वी आउटसाइड निकालना है अपने को। तो वी आउटसाइड जब बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है पी, तो यहाँ पर है, तो अपन कहेंगे आवेश को कहाँ से लाया जाना है, इन्फिनिटी टू पी तक ट्रेवल कराना है अपने को। तो इन्फिनिटी टू पी तक आप ट्रेवल कराओगे तो इसका मतलब लिमिट कितनी हो गई भाई, ये डिस्टेंस हो गई आर, तो इन्फिनिटी टू आर तक ले जाना है इसको। और ई आउटसाइड की वैल्यू हम समीकरण एक से बता ही रहे हैं, समीकरण एक से वैल्यू बता दो भाई, ये ई आउटसाइड होगा अपने। तो वी आउटसाइड इज इक्वल्स माइनस इंटीग्रल करना है इन्फिनिटी टू आर, और ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। वैसे यहाँ डॉट प्रोडक्ट का जो कोस थीटा है वो जीरो होगा, थीटा जीरो डिग्री है, इस वजह से आपको कोस जीरो वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक हो जाएगा। अब इसको अपन आगे हल कर दें तो माइनस, अब देखो के क्यू तो कॉन्स्टेंट है और वन अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा माइनस का वन अपॉन आर, डिफाइन कर लेते हैं इसको। माइनस के क्यू हमने कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, आई मीन्स उभयनिष्ठ है इसलिए, और समाकलन कर रहे हैं अपन वन अपॉन आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष, इन्फिनिटी टू आर अपनी लिमिट चल रही है। तो ये आ रहा है अपने माइनस के क्यू और माइनस का वन अपॉन आर, पीछे भी किया था अपन ने ये। अब ये अगर अपन वैल्यूज यूज़ करते हैं तो अपने पास वी आउटसाइड क्या आ जाएगा भाई, देखो वैल्यू यूज करोगे माइनस के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस, तो वैसे प्लस हो रहा है अपने, तो प्लस हो गया ये, तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, मतलब के क्यू बाई आर आ गया भाई, के क्यू बाई आर या क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी कह सकते हैं। ये एक तरीके पास अपने पास विभव आ जाता है आउटसाइड के लिए। ऐसे ही सरफेस के लिए करेंगे तो स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल आर कर देंगे, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करते हैं अपने पास के क्यू बाई कैपिटल आर निकल के आ जाएगा। डायग्राम एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। देखो सरफेस के लिए हमने बात करी वी सरफेस, तो सरफेस के लिए हम कहेंगे स्मॉल आर बराबर क्या कर दो भाई, कैपिटल आर कर दो, तो के क्यू बाई कैपिटल आर आ जाएगा बिकॉज ऑफ आर इजिकल्स आर, ये हमने यूज कर लिया इसमें, या क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर भी कहा जा सकता है। अब इनसाइड की बात करता है तो इनसाइड के लिए देखो ऐसा, ये अपने हैं पी पॉइंट, सेंटर से ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब इसमें अपन ये कह रहे हैं इस पॉइंट पे आपको विभव की गणना करनी है, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको इसको लाना कहाँ से है, इन्फिनिटी टू ट्रेवल कराना है, और इन्फिनिटी टू ट्रेवल आप कहाँ तक करा रहे हो, यहाँ तक करा रहे हो, तो इसके अपन दो पार्टीशन कर लेते हैं, एक तो इन्फिनिटी टू सरफेस तक, फिर सरफेस से वापस स्मॉल आर तक, ठीक है भाई। तो अपन क्या लिखेंगे इनसाइड के लिए, ई इनसाइड इजिकल्स एक तो करेंगे इंटीग्रल इन्फिनिटी टू कैपिटल आर सरफेस तक लाएंगे पहले इसको, माइनस ई डॉट डी आर, फिर अपन कर लेते हैं प्लस, लेकिन वो आगे माइनस वाला साइन मार्क यूज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब अपने को करना है आर टू आर, और ये वाला ई अपन इनसाइड ले लेते हैं डॉट डी आर, ठीक है भाई। लेकिन हम ये कहते हैं ई इनसाइड, अच्छा ये ई नहीं होगा वी होगा, गलती से लिख दिया अपन ने वी इनसाइड, तो भाई ई इनसाइड चूंकि ई इंटीरियर क्या है भाई ज़ीरो है, यहाँ से समीकरण तीन से हमने देखा था, तो ई इनसाइड ज़ीरो है, और ये चीज़ अपन ने सरफेस वाली निकाल ही ली है, ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ है आपकी वी सरफेस जो इधर अपन ने निकाली है, तो अपन कह देंगे वी इनसाइड इजिकल्स वी सरफेस, वी सरफेस इजिकल्स, और सेंटर का भी यही हो जाएगा, सेंटर यानी केंद्र का भी यही हो जाएगा, वी सी कह देते हैं शॉर्ट में, सेंटर इज इक्वल्स जीरो, सॉरी जीरो क्या, जीरो तो ये वाला हो गया, ये के क्यू अपॉन आर प्लस जीरो, तो के क्यू अपॉन आर ही हो जाता है। तो ये अपने कह दिया वी इनसाइड या वी सरफेस या वी सेंटर, जो क्या पढ़ रहा है इक्वल पढ़ रहा है भाई, आ रहा है के क्यू बाई कैपिटल आर। अब इसमें अगर अपन ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखें, थोड़ा ये मैरेज कर देता हूँ, तो वही ग्राफ के लिए अपन ने ऐसे कर दिया, मान लीजिए ये मैंने ग्राफ बनाया V और R में,
यहाँ मैंने कह दिया आर इज इक्वल्स कैपिटल आर, यहाँ जीरो बता दिया, तो भाई ये हो गया आर इज़ लेस देन आर, ये हो गया आर इज़ ग्रेटर देन आर। तो यहाँ हमने कहा प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर है, वी आउटसाइड है ना, ये क्या है, वी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। तो यहाँ तक अगर अपन बात करें तो ये चल रहा है प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर, तो वी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर। अब इसके आगे अपन कह रहे हैं कांस्टेंट चल रहा है, चाहे सरफेस हो चाहे सेंटर हो, तो यहाँ जाते वी सेंटर हो जाता है, ये आ गया वी सेंटर आर बराबर जीरो फोर, और ये हो जाता है वी इनसाइड और ये वी सरफेस। तो यहाँ हमने कह दिया वी सेंटर इजिकल्स वी सरफेस इजिकल्स वी इनसाइड, सारे बराबर ही चल रहे हैं, के क्यू बाई आर कॉन्स्टेंट, तो ये अपने कंप्लीट हो जाए। अगर आप इस साइड भी इसको बढ़ाते हो तो इस तरीके से आप ले सकते हो, ये हो जाता है इसका ग्राफिकल डिनोशन। तो ये अपने कंप्लीट होता है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव।